बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज एशनी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की। मियां सलीम बाबर के मुताबिक जिला इंतजामिया का असिस्टेंट कमिश्नर्स की हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा इजलास। इजलास की सदारत डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स की हफ्ते भर की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इंसदाद डेंगी एसओपीज के हवाले से कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। इंसदाद डेंगी मुहिम में तालीमी इदारों की खुसूसी इंस्पेक्शन जारी है। शहर भर में अब तक 35 स्कूल की इंस्पेक्शन की गई। 21 में डेंगू लार्वा मिलने पर स्कूल इंतजामिया को गिरफ्तार किया गया। इजलास में इंसदाद भिखारी मुहिम के हवाले से भी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ थानों की हदूद से 37 गदागर गिरफ्तार किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद मुख्तलिफ पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। इजलास में रेवेन्यू केसेस और अदालती कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग। डीसी इस्लामाबाद का इंसदाद डेंगी कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर जोर। लार्वा की अफजाइश वजह बनने वाले अनासर के खिलाफ फिलफौर मुकदमात का इंदराज किया जाए। डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज़ किया जाए।